अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जो खैर खैर के साथ उनका मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं क्रिएट करने जा रही था मोस्ट ब्यूटीफुल दीपिका पादुकोण की उनके न्यू लुक की, और बहुत सी रिव्यूज भी मैंने उसके बारे में देखे हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फेस पे प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। हमेशा की तरह थोड़ा ज़्यादा अप्लाई कर चुकी हूँ, अब इसको थोड़ा ट्राई हुआ है। और यहाँ मैं फाउंडेशन, कंटूर, कंसीलर सब कुछ लगा चुकी हूँ एक साथ। अब इसको ब्लेंडिंग करके बनाते हैं। और ब्लेंडिंग सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब कॉम्पैक्ट लगाया जा रहा है। डैप डैप करके लगाना है। और ये बहुत मजे की इसकी फाउंडेशन बनती है डैप डैप करने की वजह से ही। कॉम्पैक्ट डन कर चुकी हूँ, कंट्रोल भी ऑलमोस्ट डन हो गया है, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस कंट्रोल। मुझे थोड़ा सा और करना है, तो इसे ब्राउनिश लुक देनी है। मैं अब बेक कंट्रोल कौन सा है ये यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं वाइट पाउडर यूज़ कर रही हूँ ताकि कोई भी एक्सेस आई शेडो नीचे गिरे तो उसको हम डस्ट आउट कर सकें। स्टार्ट विद आई शेडो। सबसे पहले मैं ये ब्राउन कलर जो है ना अपनी आँख पे अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे ब्राउन शेड अप्लाई कर चुकी हूँ। अब ब्लैक शेड के साथ, वेट ब्लैक शेड के साथ मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे, और सेम इधर से भी ऐसे। मैं यहाँ पे ब्लैक शेड की एक लाइन ड्रॉ कर चुकी हूँ, जिस शेड में मुझे उसको फिल करना है। तो अब मैं इसके साथ जो है ना टेक लाइनर जो है ना ब्लैक, ये अप्लाई करके इसके साथ ब्लेंड करूँगी, क्योंकि बहुत जेट ब्लैक है और जेट ब्लैक आई शेडो से इतना जेट ब्लैक शेड नहीं आता। एक हाथ में फिल कर चुकी हूँ, अब ये वाली करने लगी हूँ। इसी तरीके से जो लाइनर है ना, केक लाइनर वेट ब्रश के साथ लगा रही हूँ। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर जो है ना ब्लैक आई शेडो अप्लाई करूँगी ताकि इसकी ब्लेंडिंग हो जाए और ये टच करने से हाथों पे ना लगे। यहाँ पर ब्लैक लाइनर जो अपनी ओवरऑल आइज पे जो है ना ये अप्लाई कर चुकी हूँ। और अब जो है मैं इसको ब्लैक शेडो के साथ जो है ना आई शेडो के साथ इसको ब्लेंड करने लगी हूँ। ब्लैक शेडो में अप्लाई कर चुकी हूँ। अब ब्राउन जो है मैं अपनी आइज के साथ, और मैं अब यहाँ पे आईब्रो फिल करने लगी हूँ ब्राउन शेड के साथ। अब मैं अपने आईब्रोज को फिल कर चुकी हूँ। फिल करने के बाद ये जेल मस्कारा जो है ना ट्रांसपेरेंट, इससे आईब्रोज को जो है मैं खड़ा कर रही हूँ, ला रही हूँ, जैसे दीपिका की बनी हुई है ऐसे। मैंने उस पेजों से पेज पर नहीं करा, हाईलाइटर लगा रही हूँ, यहाँ लगा रही हूँ, जितना ये एक्सेस पाउडर है ना इसका भी टेस्ट करने के लिए। अब मैं अपनी आईब्रोज पे ना, आईब्रोज नहीं आईज पे हाईलाइटर लगा रही हूँ। गोल्ड और कॉपर मिक्स कलर है वो लगा रही हूँ। इस तरह से ब्रश लगाने लगी। ब्रश में आज जो है पीच लगाऊंगी, पिंकिश में नहीं जाऊंगी, पीच ब्रश ऑन लगा रही हूँ। हाइलाइटर मैं फुल हैवी वाली लैशेस लगाने लगी, जो मैंने बार्बी डॉल लुक में लगाई थी वही लैशेस मैं इधर लगाने लगी हूँ, क्योंकि दीपिका ने भी काफ़ी हैवी लैशेस लगाई हैं, तो उसी तरह मैं यहाँ पर मैं लैशेस अप्लाई कर चुकी हूँ और आई शेडो भी डन है। और मस्कारा में माइनर सा लोअर लैश पे मेबलिन का मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। आई जस्ट लव द मेबलिन मस्कारा, और मैं वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ नहीं करती। वाटरप्रूफ मस्कारा जो है ना बहुत ज़्यादा तंग करता है, उतरते हुए और लैशेज़ आपकी जो है ना वो गिरना शुरू हो जाती हैं, इसलिए मैं वाटरप्रूफ मस्कारा तो कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी। तो और यहाँ पर मेकअप ऑलमोस्ट डन है। अप्लाई करने के बाद मेकअप फिक्स है। फिक्सर के बाद ड्राई होने देते हैं। और यहाँ पे मैंने कंट्रोल कर लिया लिप्स को, एक लिप्स को शेप दे दिया। अब मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। लिपस्टिक ज़्यादा है, मैं न्यूड की तरफ, मिटोरा के कुछ शेड्स मेरे पास अवेलेबल हैं न्यूड के, शायद वो मैच हो जाए। शिट, लिपस्टिक शेड अप्लाई किया था, थोड़ा डार्क लगा। इसके ऊपर में जो है मेरा मोस्ट फेवरेट शेड जो सा है मेबेलिन का 301 नंबर न्यूड में, so here is the final look. तो आज का लोग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर कोई सजेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे नेक्स्ट लुक के सफर से मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।